नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। वर्तमान में केंद्र सरकार और वर्तमान राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ वर्तमान में जिले की धारा 144 और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार सेवड़ा में महंगाई को लेकर सांकेतिक धरना सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह, जिलाध्यक्ष अशोक डांगी द्वारा किया गया। इस धरना प्रदर्शन में प्रदीप गुर्जर, विष्णु गुर्जर, बालकिशन जाटव, कमल किशोर आदि उपस्थित रहे। सेवड़ा से रामबाबू की रिपोर्ट। जो केस रजिस्टर्ड होते थे आज यहाँ नहीं है, लेकिन बंगाल और केरल जहाँ जहाँ इन्होंने ये नाटक किया है वहाँ वो प्रदेश आज भी चल रहे हैं और वहाँ 30 से 25 हजार तक मरीज निकल रहे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है और आप बड़े बड़े लोग हमारे बीच में हमारे ₹9 सस्ता है। आप बताइए इतनी ज्यादा महंगाई, जनता का खून चूसे जा रहे हैं। और केवल डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस ही नहीं है, और भी हर चीज़, खाने के तेल आप देखिए क्या कीमत हो गई है, सब्जी देखिए, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है। सर, ये संकेत धरना से आप लोगों को कुछ फर्क लग रहा है कि हो सकता कुछ ऐसे? बिल्कुल, कम से कम जनता तक बात तो पहुंचती है। ठीक है, बहुत बड़े आयोजन हम आम सभा करें, जुलूस निकालें, ज्ञापन दें, घेराव दें, करें, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का युग है, आप लोग सब जानते हैं, आप लोग हैं उसके वाहक। एक बात अगर कम भीड़ में भी कही जाती है लेकिन महत्वपूर्ण बात कही जाती है और महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा कही जाती है तो उसका भी वही इम्पैक्ट हो जाता है जो बड़ी बड़ी सभाओं। थैंक यू सर। साथियों, पेट्रोल और डीजल गाड़ी चल रही है, चाहे ट्रक हो, चाहे बसें हो, चाहे मोटरसाइकिलें हो, समस्त कांग्रेस की चल रही, बीजेपी की नहीं चल रही। दोस्तों, अरे असर सबका पड़ा और सबसे ज्यादा हमारे वक्ता ने, ठाकुर साहब ने बोला, गरीब पर। गरीब आदमी इस महंगाई में पूरी तरह से जैसे चक्की में आटा पीसा जाता है उसी प्रकार पिस गया। एक गरीब के पास 4 बीघा जमीन है और वो ट्रैक्टर लेके जाता है तो 200 रुपया बीघा का पूरा खाते। आप सबको पता होगा, 2 साल पहले दिसंबर में जब पहला केस आया, सरकारें नहीं देती क्योंकि उनके ऐसे कुछ काम लंबित थे, उनके परिवार के सदस्य विदेशों में थे, उनको वापस लाना था, उस कारण से वो जो तैयारियां करना थी वो नहीं कर सके। चलो, हम पहली बात को छोड़ दें तो इस साल का नज़ारा, आप सब कोरोना की मार झेल रहा था उसी समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल फतेह करने में लगे हुए, और बंगाल में आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, बंगाल की जो नेता है आदरणीय ममता बनर्जी, उन्होंने कुल 88 मीटिंगें ली हैं।